ऐसी हालत में इतने सामान नहीं उठाना चाहिए तुझे। बहुत भूख लगी। ये तेरे गले पे निशान कैसा? क्या हुआ बेटी? अरे कुछ नहीं हुआ मानिक भाई। मानिक भाई, वो समधी जी की मदद के लिए मैंने बाजार से 3 लाख रुपए का कर्जा उठाया है। लेकिन भाभी जी, मैंने तो सुना था कि लड़की दहेज की वजह से मंडप से उठ गई थी। पचास लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी नंदिनी को देखो, अपने बाप के घर से खाली हाथ लौटाई, और इन लोगों का रिश्ता पहले भी आया था वीरेन के लिए, वो तो हमारी मत मारी गई थी जो पारस को छोड़ के इस पत्थर को उठा लाए। किसी भी तरीके से ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। वो व्यास जी तो कह रहे थे कि लड़की इकलौती है लेकिन विधवा है, इसलिए वो लड़की की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहते हैं। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि वो वीरेन को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी शादी करने से पहले मुझे नंदिनी को डिवोर्स देना पड़ेगा। डिवोर्स तो तू तब देगा ना जब तेरी पहली बीवी रहेगी। क्या मतलब? वीरेन, तू एक काम कर, जो रसोई में भरा हुआ सिलेंडर है उसको हटा करके वहां पर खाली सिलेंडर लगा दे। लेकिन खाली सिलेंडर में क्यों लगाऊं? नहीं जलेगी गैस, गैस खत्म हो गई है, और तेरे बाप ने तो पैसे दिए नहीं। पैसों की किल्लत की वजह से हम गैस भरवा भी नहीं सके, इसीलिए आज से तू स्टोव पे खाना बनाएगी, समझ गई? वीरेन, स्टोव ला जरा। ले। बनाई इसी पे खाना, आई गैस जलाने। बेटा, शांतिलाल जी घर पर है? जी वो तो नहीं है, आप कौन? मैं माणिकलाल जैन। और आप? जी मैं उनकी बेटी पायल। मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेटा, मुझे प्रताप कोठारी और उसके परिवार के बारे में आपसे कुछ जानना है। काका, मैं अगर शादी नहीं रोकती तो मैं और मेरा परिवार दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो लोग पैसों के भूखे हैं काका, उस घर में जो भी लड़की जाएगी वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। उन लोगों के लिए रिश्ते नातों के कोई मायने नहीं है, और मुझे तो लगता है वो लोग पैसों के लिए अपनी बहू के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसकी जान तक ले सकते हैं। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।